Good morning, kids. I hope all of you are fit and fine. Today I'm going to tell you a story on good leadership. And in this story, we have the Siberian cranes today. So let's get started. Siberian cranes are snowy white in color with black feather, which are only visible during their flight. Thousands of Siberian cranes live in Russia. Every year, right before the winter sets in, all these birds form large group and migrate to India, China, Nepal and other warmer country. This time, however, the winter was different for a particular reason. There was a lot of chatter among the cranes of this group. All the cranes were running helter-skelter in commotion. So, ये जो स्टोरी है इट्स अबाउट साइबेरियन क्रेन्स. ये स्नोई वाइट क्रेन्स होती हैं बच्चों, जो रशिया में मिलती हैं, रशिया में होती हैं. बट जैसे ही वहाँ पर बहुत ठंडी होती है रशिया में, तो जैसे ही वहाँ विंटर शुरू होते हैं, ये क्रेन्स क्या करती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं और फ्लाई करना स्टार्ट करती हैं इंडिया, चाइना और नेपाल एंड अदर कंट्री जहाँ थोड़ी गर्मी होती है. तो वैसे ही एक ग्रुप में थोड़ा सा हलचल हो रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे वो वहां की क्रेन्स, इधर उधर उड़ रही थी. डेजी, अ क्रेन फ्रॉम अनदर ग्रुप, वाज ऑब्जर्विंग ऑल दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस. शी वेंट नियर वन ऑफ द क्रेन एंड आस्क्ड, हे इज एवरीथिंग फाइन, यू लुक लिटिल वरिड. द क्रेन लुक्ड एट हर परप्लेक्स्ड. आई आस्क्ड इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, यू लुक सो टेंस्ड, सेड डेजी. No, no, everything is fine. We have just chosen a new leader. It's all good. Thank you, the crane replied. Oh, congratulations. It's a happy day, Daisy said and smiled. तो डेजी एक क्रेन होती है दूसरे ग्रुप की. वो देख रही है कि भाई ये क्रेन्स के ग्रुप में बड़ा ही परेशानी हो रही है, बड़ी कंफ्यूज लग रहे हैं ये लोग, इतनी हलचल हो रही है. तो वो एक क्रेन के पास जाके पूछती है, क्या हो गया, तुम लोग ठीक तो हो, कोई परेशानी है क्या? तो क्रेन बोलती है, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, हमने अपना नया लीडर चुना है तो उसके लिए हम लोग थोड़े खुश हो रहे हैं. तो डेजी कहती है, ओ कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर तो आज बड़ा अच्छा दिन है. नाउ लेट्स सी व्हाट द क्रेन सेज. यस इट इज, थैंक यू सो मच. इफ यू विल प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव टू मेक सम अरेंजमेंट्स फ्रॉम दिस फॉर द सेलिब्रेशन, द क्रेन सेज टोल्ड डेजी. तो वो क्रेन कहती है, ओ थैंक यू थैंक यू, अभी आप अगर मुझे जाने की इजाजत दोगे तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे अरेंजमेंट्स करने हैं. यस श्योर, आई अंडरस्टैंड, डेजी सेड एंड फ्लू अवे. तो द क्रेन्स हैड वंडरफुल टाइम, दे ऑल ईट गुड फूड एंड डांस्ड ऑल नाइट. मिशा हैड बीन चोजन एज द न्यू लीडर ऑफ द ग्रुप आफ्टर द प्रीवियस लीडर टाका रिटायर्ड. मिशा वॉज अ स्मार्ट क्रेन, शी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. She was humble, wise and quick decision maker. All the cranes in the group adored and admired her. The next morning, Misha got up early while the other cranes lay in their beds, tired after the last night party. Winters were just around the corner and Misha knew that they would have to start their migration early this year. So she started preparing for the flight to the south. When the cranes got up, they joined the leader in the preparation. So, वो रात उन लोगों ने बहुत अच्छी पार्टी करी, अच्छा अच्छा खाना खाया, डांस किया और सब क्रेन्स थक के सो गए. अभी मिशा जो थी वो नई लीडर बनी थी वो क्रेन्स के ग्रुप की, और वो सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसको पता था उसको प्रिपरेशन करनी है, उनको माइग्रेट करना है इंडिया चाइना, राइट, गर्म जगह. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Later in the afternoon, after lunch, Misha held a meeting with a swoop of cranes. The winter would start in the early this year, she announced. All the cranes looked at her worried. Do not worry, we have already started our preparation. I would like you all to be participate so that we can leave early, Misha told the swoop. So now Misha sari preparation kar leti hai. और आफ्टरनून में एक मीटिंग रखती है जहाँ पे सारी क्रेन्स आ जाती है, और वो क्रेन्स को बोलती है कि सर्दियाँ जल्दी शुरू होने वाली है और हमको अपनी उड़ान शुरू करनी पड़ेगी. तो सब क्रेन्स थोड़ी सी घबरा जाती है. तो मिशा उनको बोलती है, आप टेंशन मत लो, मैंने प्रिपरेशन ऑल कर रखी है सब चीज़ों की, बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी अ टीम प्लेयर, सब एक दूसरे की मदद करेंगे.
अभी देखते हैं क्या होता है. वी विल ऑल हेल्प यू, सेड सूप अशोर्ड. दे ऑल गॉट बिजी विद द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट डे. एवरी क्रेन वर्क हार्ड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम. मिशा मोटिवेटेड देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. शी सुपरवाइज एवरीथिंग हर सेल्फ एंड दैट एंड एंड द क्रेन्स फेल्ट मोटिवेटेड. तो सब क्रेन्स अपना अपना काम करने लग गई और टाइम पे काम खत्म कर दिया. और मिशा ने सब चीज़ों को सुपरवाइज करा कि सब चीज़ें ढंग से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. और वो क्रेन्स को भी मोटिवेट करती गई टाइम टू टाइम. फाइनली द डे ऑफ माइग्रेशन अराइव्ड. अ फ्यू ग्रुप हैव ऑलरेडी बिगैन द जर्नी. ऑल द क्रेन्स वर वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द जर्नी. इट वॉज गेटिंग कोल्ड इन रशिया एंड ऑल ऑफ देम वॉन्टेड टू बी इन इंडिया फॉर अ वार्मर क्लाइमेट. मिशा गैदर्ड देम ऑल फॉर अ लास्ट मीटिंग बिफोर द फ्लाइट. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी. It is already getting cold here. We need to start a journey today in order to reach India on time. I want all of you to be together in the journey. Remember, we are a family. We need to support each other during this long journey. Misha addressed the soup. So, Misha bolti hai sabko bula ke ki sardi badh rahi hai aur humko apni udaan jaldi shuru karni padegi. To hum kal apni udaan shuru karenge. और हम सब एक फैमिली की तरह साथ में उड़ान भरेंगे. एंड वो सबको ये सब क्रेन्स को ये बोलती है. एंड सब क्रेन्स प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे. दे ऑल स्टार्टेड द जर्नी विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड टुक द फ्लाइट. मिशा वॉज वन हु वॉज लीडिंग द फ्लाइट. सो दे ऑल स्टार्टेड टू फ्लाई विद फुल ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस. A few days passed and the cranes were heading joyful towards the destination. Misha went with the usual round of inspection to check if everything was fine. She noticed that Taka was flying usually slow. He looked tired and was not able to keep pace with the birds. So Misha ne bhi udaan shuru kar di hai aur wo udaan lead kar rahi hoti hai. Par wo wapas piche jaake dekhti hai ki sari birds safe hai ya nahi, sari birds ek sath ud rahe hai ya nahi. तो वो देखती हैं टाका जो उनके पुराने लीडर थे वो बहुत धीरे धीरे उड़ रहे हैं और थोड़े टायर्ड भी लग रहे हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट शी सेज. टाका यू लुक टायर्ड, आर यू फाइन. मिशा आज द एल्डरली क्रेन फ्लाइंग बाय द साइड. आई एम ओल्ड नाउ एंड आई डोंट थिंक आई कैन मेंटेन द पेस. टाका टोल्ड मिशा कंट्रोलिंग हिज स्टीयर. तो टाका जो उनके प्रीवियस लीडर थे वो बहुत एजड थे और वो जैसे ये यंग बर्ड्स की तरह बहुत तेज नहीं फ्लाई कर पा रहे थे. तो मिशा को बोलते हैं कि क्योंकि मैं बुढ़ा हूँ, मैं थक जाता हूँ और मैं इतना जल्दी नहीं उड़ सकता हूँ. डू नॉट वरी टाका, आई अंडरस्टैंड. आई विल टॉक टू द अदर क्रेन सो दैट वी कैन गो लिटिल स्लो. मिशा अश्योर टाका. तो मिशा बोलती है आप चिंता मत करो, मैं बाकी क्रेन्स को कहती हूँ कि थोड़ा धीरे उड़ेंगी ताकि हम आपके साथ चल सकें. Thank you, Misha, Taka said smilingly. That evening, Misha told all the cranes to slow down their speed so that Taka could match their pace. So, Misha bolti hai dusri cranes ko us evening ki thoda dheere udiye aap taki hum Taka ko bhi apne saath unke pace ke hisab se thoda chal sake. But we won't reach on time if we fly slow, protested one of the crane. I don't think it would make much difference. We did start a little early, didn't we? Misha tried to convince him. Why should we risk our life for one crane? Why don't we just leave him if we cannot fly? Shouted other crane. तो जैसे ही मिशा ने भाई बाकी क्रेन्स को बोला कि हमको थोड़ा धीरे उड़ना है ताकि टाका भी हमारे साथ उड़ सके, तो एक क्रेन बोलती है कि ऐसा कैसे, हम अपनी लाइफ क्यों रिस्क करें, ज्यादा सर्दी हुई तो हम मर जाएंगे. तो मिशा उनको बोलती है कि हम तो वैसे भी जल्दी उड़ान भरी है हमने, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. बट देन बाकी क्रेन भी चिल्लाने लग जाते हैं. मिशा स्माइल्ड. ही इज अ पार्ट ऑफ अस. आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम बिहाइंड. डू नॉट फॉरगेट दैट ही वॉज आर लीडर वंस एंड दैट ही हैज टेकन गुड केयर ऑफ अस. आई एम योर लीडर नाउ एंड ईच वन ऑफ यू इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू फ्लाई वी फार फ्लाई टूगेदर, Misha said in an authoritative yet calm tone. तो मिशा बोलती है सारी क्रेन्स को कि ये भूलो मत कि ये हमारे लीडर रह चुके हैं पहले और हम इनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं,
एंड क्योंकि मैं अभी तुम्हारी लीडर हूं, तुमको वो ही करना है जो मैं बोलती हूँ। पिन ड्रॉप साइलेंस प्रिवेल्ड। टाका लुक्ड एट मिशा एंड थैंक्ड हर विद टीयर्स रोलिंग डाउन हिज फेस। मिशा स्माइल्ड एट हिम एंड सेड, लेट्स हैव डिनर एंड गेट सम रेस्ट नाउ। सो टाका जब सुनते हैं मिशा की बात तो उनको रोना आ जाता है और वो मिशा को थैंक यू बोलते हैं। तो मिशा बोलती है, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब एक फैमिली है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें। और निशा मिशा बोलती है कि चलो अब हम डिनर करके थोड़ा रेस्ट करते हैं। मिशा, थैंक यू सो मच, टाका सेड वंस अगेन। इट इज माई ड्यूटी टाका, रिमेंबर दैट यू टॉट मी वंस, ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल, सेड मिशा एज शी मूव्ड अहेड। एंड मिशा वॉक्ड अवे। टाका न्यू इन हिज हार्ट दैट हिज सक्सेसर वॉज केपेबल लीडर इन एवरी सेंस, शी वॉज रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। सो टाका फिर से मिशा को बोलते हैं कि थैंक यू वेरी मच, और मिशा बोलती है कि आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, एज अ लीडर आपने ही हमें सिखाया है कि ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल, कि हम सब एक हैं एंड वी ऑल आर टुगेदर एज अ फैमिली एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ एवरी वन। एंड जब मिशा वहां से चली जाती है तो टाका मन ही मन खुश होके ये सोचते हैं कि उनको उनको एक अच्छा लीडर मिल गया है, उनके क्रेन्स को एक अच्छा लीडर मिल गया है जो बहुत केपेबल है और बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बहुत केयरिंग है एंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है उस बंदे का। एंड फिर ऐसा करके वो सब वापस से उड़ान भरते हैं। सो दिस इज वॉट इज अबाउट अ गुड लीडर। अ गुड लीडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, शुड ऑलवेज लिसन टू एवरीबडी एंड डू वॉट इज गुड फॉर द टीम। हमको सबको एज अ फैमिली काम करना चाहिए। अ गुड लीडर इज अ पर्सन हु ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली एज अ फैमिली। ओके किड्स, नाउ डू यू सी ऑन द फर्स्ट पेज वेयर मिशा एंड हर क्रेन्स आर रिटन, देयर इज एन एक्टिविटी किड्स, आई रीड इट फॉर यू। In your school, class monitors are made on a rotational basis. Your teacher has made you the class monitor for the month. You are required to carry some duties and responsibilities. What will be your attitude towards your classmate? Mate, which of these, according to you, will make you a good leader? So, आप लोग जब स्कूल आते थे तो आप मॉनिटर बनते थे ना क्लास में? एंड मॉनिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ ड्यूटीज होती है, क्लास को मेंटेन रखना, क्लास को क्वाइट रखना अगर टीचर नहीं है तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर क्लासमेट कैसा होता है? दैट इज व्हाट दिस एक्टिविटी इज ऑल अबाउट। नाउ लेट्स सी, बॉस ओवर देम एंड स्पीक एरोगेंटली, मतलब बाकी क्लासमेट्स को रूडली बात करना, उनके बॉस बन के काम करना, ऐसा करो वैसा करो बोलना। शोइंग अंडरस्टैंडिंग टू दे प्रॉब्लम, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उनकी बात सुनना और अंडरस्टैंड करना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इज हेल्पफुल टूवर्ड्स देम, एक दूसरे की मदद करना। कंप्लेन टू द टीचर अबाउट द मिसचीफ, या टीचर को कंप्लेन करना कि मैम ये शैतानी करता है। डिसिप्लिन देम बाय टॉकिंग टू देम, या क्लास में डिसिप्लिन रखना बाय टॉकिंग टू देम, सबसे बात करना, सबको एक जगह बैठाए रखना, सबको बोलना कि वो बिल्कुल बात नहीं करें। यूज फोर्स एंड थ्रेट टू ब्रिंग आउट डिसिप्लिन, या फोर्सफुली या डरा के डिसिप्लिन लाना, या क्लास में डराना बच्चों को, ऐसा मत करो नहीं तो मैम को बोल दूंगा, वैसा मत करो नहीं तो मैम को बोल दूंगा। दैट इज नॉट वॉट अ गुड लीडर इज। अ गुड लीडर इज किड्स हु इज पोलाइट, हु लिसन्स टू एवरी वन एंड डिसिप्लिन्स एवरीबडी, हु अंडरस्टैंड एंड इज ऑलवेज हेल्पफुल, राइट? जो एक अच्छा टीम प्लेयर होता है, जो पूरी क्लास को एक साथ एज अ फैमिली एज अ टीम समझ के काम करता है, ना कि बॉस राउंड करता है उन पर, राइट? सो दिस इज व्हाट द स्टोरी अबाउट मिशा एंड हर क्रेन्स, गुड लीडरशिप। रीड द लेसन थरली किड्स एंड ट्राई फाइंडिंग आउट द वर्ड्स टू नो एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। व्हेन आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द एक्टिविटीज। So that's all for today. You take care of yourself and be a good leader and be good kids. Bye bye. Take care.